Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज हम Figma में कॉन्स्ट्रेंट एंड रिसाइजिंग को गो थ्रू करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले वी कैन टेक अ फ्रेम और उस पर मैं एक एलिप्स टूल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई फिल द कलर, सो मैंने यहाँ से कलर फिल कर दिया, ठीक है। जैसे आप सिलेक्शन रखेंगे यहाँ पर आपके पास एक कॉन्स्ट्रेंट कई प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है। अभी ये कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर एंड टॉप पर है, ठीक है। अगर आप प्रीव्यू में चेक करें तो टॉप एंड लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेम को रिसाइजिंग करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जब हम रिसाइजिंग करें तो हमारा जो फ्रेम है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन होना शुरू हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ आई और मैं यहाँ से इसको राइट और यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन करती हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा वहीं का वहीं है, लेकिन जैसे हम इसको रिसाइजिंग करते हैं, देखें आप, ऑब्जेक्ट मेरा भी रिसाइजिंग साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, सेंटर एंड राइट। कुछ नेविगेशंस ले लेते हैं। फिलहाल हम एडिट नहीं कर रहे, करना चाहें तो कर लें आप। मैं यहाँ पर अबाउट कर लेती हूँ इसको और लास्ट में मैं इसको कॉन्टैक्ट कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन मैं तीनों को सेलेक्ट करी बाय प्रेसिंग शिफ्ट। अब मैं इन तीनों को ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। आई जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ इट, ओके। अब मैंने यहाँ रखा और अगेन मैं कॉन्स्ट्रेंट पर आती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि लेफ्ट और टॉप पे रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको स्केल कर देती हूँ, ये देखिए फ्रेम पे क्लिक किया आपने। सी आपके जो भी कंटेंट है वो ऑटो एडजस्ट हो रहे हैं यूजिंग योर व्यू के साथ। इस पर आ जाते हैं, इसको भी स्केल करके सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। पर स्केल कर दिया तो ज़्यादा इजीएस्ट वे है। दोनों ऑब्जेक्ट स्केल हो रहे हैं, ओके। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा रिसाइजिंग एंड कॉन्स्ट्रेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम गो थ्रू करेंगे हाउ टू डिज़ाइन द वेबसाइट इन फिग्मा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।